हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट बलजीत, स्वागत है आपका मेरे वू कॉमर्स वीडियो कोर्स में। तो फ्रेंड्स, कल हमने जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने सीखा था कि हम वू कॉमर्स को कैसे इंस्टॉल करें, वू कॉमर्स क्या है, वू कॉमर्स को सीखने के हमें क्या फ़ायदे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वू कॉमर्स के स्टेटस को, जो कि मेन कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ होते हैं, जो हमारे सर्वर एंड से इश्यूज़ जनरेट होते हैं अगर हमारी वो कॉमर्स सेटअप करने के बाद भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। तो आज हम वो रीड करेंगे कि हम वो कॉमर्स के स्टेटस को कैसे रीड करें और उनके अंदर दिए गए ऑप्शंस को कैसे जाने कि किन किस ऑप्शन का यूज़ किस पर्पज़ के लिए किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आप मान सकते हैं कि अगर आपने वो कॉमर्स की किसी भी तरह की कमजोरी या किसी तरह की उसकी फंक्शनैलिटी को आपने हैंडल करना है तो आपको स्टेटस को रीड करना आना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको प्रॉपर स्टेटस के बारे में बताता हूँ कि स्टेटस में क्या ऑप्शन दिए हुए हैं और आपने उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है जी, तो जैसे मैं यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक किया मैंने, तो अब मेरे सामने एक ऑप्शन ओपन हुई, पेज ओपन हुआ जिसमें सिस्टम स्टेटस नाम का ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है। तो ये वो पेज है जिसमें आपके प्रॉपर सर्वर, आपके वर्डप्रेस, आपकी प्लगइन्स, आपके थीम और इसके अलावा जो भी आप थर्ड पार्टी कंटेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और विद ये बताया जाएगा आपको कि क्या इन सभी चीज़ जो भी आपने कंटेंट यूज़ किया है इन सब की वो कॉमर्स के साथ कंपैटिबिलिटी है, कहीं पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है, तो इनको अब यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले आप कलर को समझ लीजिए, अगर कहीं पे ग्रीन कलर है तो इसका मतलब है कि सब कुछ गुड है, फाइन है। अगर कहीं पे रेड कलर है तो इट मीन्स यहाँ पे इशू है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिखा रहा है जो वर्डप्रेस इन्वायरमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरा वर्डप्रेस है वो कौन सा है। यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है 4.9.7 और यहाँ पे वर्डप्रेस की PHP मेमोरी दिखा रहा है 512। अगर यहाँ पे ये PHP मेमोरी आपकी कम होगी, 356 होगी जब उससे 256 होगी, 384 होगी और अगर उसको ये रेड मार्क कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका वो कॉमर्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो उसको प्रॉपरली सेटअप करने के लिए आपको अपनी PHP मेमोरी उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये सर्वर एंड से होती है, मे बी आपको पता होगा, अगर नहीं है तो आगे चल के आपको ये भी मैं सिखा दूंगा। इसके अलावा आपका जो वर्डप्रेस का वर्जन है इसकी कंपैटिबिलिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपने वो कॉमर्स आपने अपडेट कर दी, नया वर्जन इंस्टॉल किया, लेकिन अभी भी आपकी जो साइट है वो पुराने वर्डप्रेस वर्जन पे चल रही है तो हो सकता है कि आपको कंपैटिबिलिटी इशू आ जाए। तो समटाइम क्या होता है कि आपका वो कॉमर्स इंस्टॉल होता है लेकिन बहुत सारी फंक्शनैलिटी वर्क नहीं करती है, कहीं आपको लोडिंग का इशू आता है, कभी यहाँ पे एरर आते हैं, हैंडलिंग एरर आते हैं, तो ये सब इशू आते हैं कि आपकी आपका जो वर्डप्रेस का वर्जन है और आपकी वू कॉमर्स का वर्जन है दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, ठीक ठाक है, तो ये सब कुछ ग्रीन में दिखा रहा है। अब नीचे चले जाते हैं, इस सर्वर इन्वायरमेंट जो मैंने सर्वर ले रखा है उसके साथ मेरी जो सर्वर है वो किस तरीके से है, लाइट स्पीड है, ये PHP का वर्जन बता रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका PHP का वर्जन आज के टाइम में 5.4 है जो उससे नीचे है तो आप भूल जाइए कि आपकी वू कॉमर्स रन करेगी। तो रिकमेंडेड वर्जन जो है वो 5.6 है और हो सके तो आप अपने लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है 7.2.7 इसी के ऊपर ही अपने सर्वर को अपडेट रखिए, क्योंकि आज के टाइम में जो PHP का वर्जन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सिक्योरिटी फैक्ट के लिए भी। तो हर एक एंगल से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे PHP से रिलेटेड जितनी भी आपकी पोस्ट अपलोडिंग मेमोरीज हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि वो कितनी कितनी है और उनकी कंपैटिबिलिटी वो जो वो कॉमर्स है उनको कैसे कितनी चाहिए और उनके साथ कैसी है। तो यहाँ पे सोप क्लाइंट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, डॉम डॉक्यूमेंट भी इंस्टॉल्ड है, गिजिप की इन्फॉर्मेशन भी है। तो ये सब कुछ आपके सर्वर में पहले से इंस्टॉल होता है। तो कोशिश करूँगा कि ये सब चीज़ें आपको पता हो कहाँ होती है, ये आपको PHP INI एडिटर के अंदर सी पैनल में मिल जाती है। तो अगर आपको कहीं इशू आ रहा है इसमें, यहाँ पे कुछ रेड मार्क किया है, तो आप अपने सर्वर में जाइए, PHP INI एडिटर को आप ओपन कीजिए या फिर आप पहले से PHP.INI फाइल बनी है उसको एडिट कर लीजिए, उसके अंदर आप इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज करके अपना एरर है वो फिक्स कर सकते हैं। नीचे दिया गया है डेटाबेस के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, तो सभी टेबल बनी हुई है प्रॉपरली, उसके साइज मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, तो कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हर एक टेबल के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी ठीक है और हर एक टेबल जो जहाँ होनी चाहिए वहीं सेटअप हो चुकी है। पोस्ट टाइप कंटेंट बता रहा है, उसकी टैक्समोनी से ये पिक कर रहा है कि अभी तक 6 पेज मेरी साइट पे हैं, पोस्ट मैंने 2 बना रखे हैं और रिविज़न मैंने 2 डाले हुए हैं।
तो ये बता रहे हैं हालांकि इनका कोई इशू नहीं है, लेकिन ये उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी के अगर लहजे से देखा जाए तो मेरी अभी जो रेड मार्क किया हुआ है उसने कि HTTPS है वो मिसिंग है। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे HTTPS नहीं है, तो मेरी साइट है जो अभी भी नॉर्मल प्रोटोकॉल HTTP पे चल रही है। तो जैसे मैं इसको HTTPS पे शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि ये सब डोमेन है, तो मैंने इस पर HTTPS जो अभी इंस्टॉल नहीं किया है, तो इसलिए ये मेरे मेन डोमेन पे ही अभी रन कर रहा है। तो जैसे ये यहाँ पे इंस्टॉल होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। इसके अलावा अभी तक ये बिल्कुल इसमें दो ही प्लगइन है, ग्रेविटी फॉर्म और वूकॉमर्स, दोनों के वर्जन दिखा रहा है और दोनों के ऑथर के नेम दिखा रहा है, और इनके साथ अगर कोई कंपैटिबिलिटी इशू होगा तो यहाँ पे ये रेड मार्क करेगा। यहाँ पे सेटिंग्स दी है API इनेबल्ड, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। करेंसी दिखा रहा है जो बाई डिफ़ॉल्ट है, करेंसी पोजिशन बता रहा है, तो ये सब कुछ ठीक ठाक बता रहा है। बाकी ये जो सेटिंग पेज के अंदर ये सब कुछ है जो आपके वूकॉमर्स सेटिंग पेज से आ रहा है, तो अभी हमने सेटिंग पेज को सीखा नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा सेटिंग पेज के ऊपर ही है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगी। वूकॉमर्स पेजेस की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी ई कॉमर्स इन्वायरमेंट के लिए आपके चार पेज होने ज़रूरी है, जिनमें एक था आपका शॉप पेज, एक है कार्ट पेज, चेकआउट पेज एंड लास्ट है आपका माई अकाउंट पेज। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉप और माई अकाउंट पेज तो ग्रीन है, ये दोनों आपके पास हैं, दोनों मेरे पास है सॉरी, लेकिन ये दो पेज है जो अभी कार्ट और चेकआउट है ये दोनों मिसिंग है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि ये दो पेज मैंने जानबूझकर ट्रैश कर दिए थे, तो आज इस वीडियो में आपको इनको रिकवर करना भी सिखा दूंगा। तो देख सकते हैं कि अभी ये दोनों पेज यहाँ से गायब है और ये दोनों दो पेज मैंने ट्रैश किए हुए हैं, तो ये उनके ये दिखा रहे हैं रेड मार्क, तो बिल्कुल इनको हम फिक्स करेंगे। लास्ट में ये मेरे थीम का बाय इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, और लास्ट में दिखा रहा है कि थीम की जो टेम्पलेट फाइलें हैं वो कमर्स की वो अभी तक ओवरराइड्स है, किसी तरह की आउटडेटेड फाइल नहीं है, अगर होगी तो यहाँ पर रेड मार्क करेगा। ये इश्यू भी मेरे पास बहुत सारी साइटों के अंदर आता है, तो मैं आपको कभी ना कभी दिखा दूंगा। तो चलिए, आपने फ्रंट पेज जो सिस्टम स्टेटस है उसको रीड कर लिया है, होप फो कि आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे किसकी क्या इन्फॉर्मेशन है और किससे रिगार्डिंग वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए आप इसका जो सेकंड ऑप्शन है टूल्स है उसको रीड करते हैं। टूल टैब के अंदर इसकी जो टूल्स टैब है उसके अंदर कुछ ऐसी सेटिंग्स दी हुई है जिनका यूज़ करके आप अपने वूकॉमर्स स्टोर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से रीड करिए, अच्छे से पढ़िए और देखिए इस पूरी वीडियो में कि मैंने आपको इसमें क्या बताया है। यहाँ दिया हुआ वूकॉमर्स ट्रांजेंट्स क्या होते हैं कि आपने यहाँ दिया हुआ दिस टूल विल बी क्लियर द प्रोडक्ट योर ट्रांजेंट कैशे, एक मेमोरी होती है कैशे मेमोरी, जैसे प्रोडक्ट डेटाबेस में अपलोड होता है तो वूकॉमर्स अपना एक अलग से कुकीज बनाता है, इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर सेटअप करता है, तो उसके अंदर ये एक छोटी सी बफर मेमोरी होती है जिनके अंदर ये कैशे सेव होती रहती है। तो अगर आपकी साइट के अंदर अभी आप मान लीजिए 20 प्रोडक्ट है, लेकिन अभी दिखा रहा है जैसे विजिबल हो रहा है 18, अगर आपने बना रखे हैं 20 प्रोडक्ट डाल रखे हैं, 15 शो हो रहे हैं, 10 शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कैशे मेमोरी वो प्रॉपरली क्लियर नहीं है। या फिर आप मान लीजिए कि आपने 20 प्रोडक्ट में से 5 डिलीट कर दी लेकिन अभी भी 20 शो हो रहे हैं, तो भी आपकी इसका मतलब है कि कैशे अभी क्लियर नहीं है। तो आप उसको एक बार क्लियर ट्रांजेक्ट करिए तो ये आपकी कैशे क्लियर हो जाएगी और आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रोडक्ट हैं वो अपलोडेड हैं। नेक्स्ट दियो है एक्सपायर्ड ट्रांजेक्ट, बिल्कुल ये अगर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट हटाए हुए हैं उनकी को बहुत सारी डेटाबेस के अंदर एंट्रीज रह जाती है, कैशे रह जाता है, तो आप उनको क्लीन करिए। इस तरह की अगर आपकी लेफ्ट ओवर बचे रहेंगे वहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज रहेगी, आपके डेटाबेस का साइज इंक्रीज होगा, वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं रहेगा, जितना ज़्यादा बड़ा डेटाबेस होगा जितनी ज़्यादा उसमें आपको एक्सपायर्ड एंट्रीज होगी उतना ही डेटाबेस स्लो होता जाएगा और आपका जो स्टोर है वो स्लो हो जाएगा। और अगर आपके पास इस तरह की ऑनलाइन जॉब्स आती है कि आप हमारे वूकॉमर्स स्टोर को ऑप्टिमाइज़ कीजिए, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसके जो एक्सपायर्ड ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो, तो एक बार आपने इस टूल सेक्शन के अंदर आके इसको क्लियर करना है, तो आपका जो ये हेल्प करेगा आपकी जो वूकॉमर्स स्टोर को ऑप्टिमाइज़ करने में। ऑर्फेंड वेरिएशन, जिसके नेम से पता चलता है कि ये कुछ अनाथ वेरिएशंस की बात कर रहा है, ऐसे वेरिएशंस वेरिएशन एक्चुअल में होते क्या है, हालांकि ये हमारा टॉपिक आगे आएगा, लेकिन एग्जांपल के लिए बता देता हूँ आपको कि आपने देखा होगा ई कॉमर्स साइट के ऊपर आपको एक ही शर्ट टी शर्ट 5-6 अलग अलग कलर में दी जाती है, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, तो उनमें वेरिएशन दिए होते हैं कि ये येलो है, ये रेड है, ये ब्लू है, इसके साथ आपको साइज में भी वेरिएशन होते हैं XML, M, X, XXL, तो वो ये सब चीज़ें जो है वो वेरिएशन प्रोडक्ट के अंदर मानी जाती हैं।
लेकिन आप मान लीजिए कि आपका जो मेन पेरेंट्स प्रोडक्ट है वो आपका डिलीट हो चुका है, और उसके साथ जो वेरिएशन थे अलग अलग, चाहे वो कलर के थे साइज़ के थे, उसकी एंट्रीज डिलीट ऑटोमेटिकली नहीं होती हैं, तो उनकी जो टेबल्स है वो आपके डेटाबेस के अंदर रह जाती है। तो ऐसे ऑर्फन वेरिएशन से है वो, अगर आपने प्रोडक्ट हटा दिया है या सेल आउट हो चुका है, उसकी एंट्रीज़ को आपने डिलीट नहीं किया, तो धीरे धीरे आपका डेटाबेस है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और जैसे वो बड़ा होगा वो स्लो भी होता जाएगा। तो सेम प्रोसेस है कि आप इसको विदाउट एनी टेंशन आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ऐसे आपका जो कॉमन स्टोर है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज बना रहेगा। नीचे दिया हुआ ऑप्शन है वो यूज्ड अप डाउनलोड परमिशन, जैसा कि इसका डाउनलोड परमिशन से है, तो ये बिल्कुल आपके डिजिटल प्रोडक्ट के साथ रिलेट करती है ये क्वेरी। डिजिटल प्रोडक्ट जिसको कि हम आगे प्रोडक्ट जैसे सेटअप करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसमें अपलोड करते हैं डिजिटल कंटेंट, लेकिन वहाँ पे आप परमिशन देते हैं कि इस कंटेंट को यूज़र कितनी बार डाउनलोड कर सकता है, कितनी बार उसको परमिशन दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट है जो हमने हटा लिए हैं, उनकी परमिशन अभी भी वहाँ पे है, तो उनकी एंट्रीज दी हुई है। तो ऐसी डाउनलोड परमिशंस को आप डिलीट करने के लिए, आप क्लीन करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल अगर आपको ये ज़रूरत है आप कीजिए, क्योंकि इससे आपका डेटाबेस है वो ऑप्टिमाइज़ होगा, उसका साइज़ है वो जीरो होगा, सॉरी कम होगा, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑर्डर एड्रेस इंडेक्स, ऑर्डर एड्रेस इंडेक्स को भी बताने से पहले मैं स्मॉल से आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मान लीजिए आप हमारे पास 2000-3000 पेजेस की एक बुक है, हमें अगर उनके अंदर बहुत जल्दी जल्दी किसी कंटेंट को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें उनके जो फ्रंट पे बना हुआ इंडेक्स है उसमें पता लगाना होगा कि जिस टॉपिक को हम सर्च कर रहे हैं वो किस नंबर पेज पे है। तो जैसे हम उस पेज के लिए हम उस साइट पूरी बुक को उल्टा पुलटी करेंगे तो हमें वो इजीली मिल जाएगा। तो सेम चीज़ होती है ऑर्डर एड्रेस इंडेक्स की, जैसे ही यूज़र आपकी साइट पे आते हैं, आपसे ऑर्डर बाय देते हैं, तो धीरे धीरे उनके एड्रेस इंडेक्सिंग है, उनकी एक एंट्रीज है वो बनती जाती है। लेकिन समटाइम जैसे आप किसी ओल्ड कस्टमर की एंट्रीज को फाइंड करने लगते हैं सर्च में, तो उसका रिजल्ट आने में काफ़ी देर लगती है, या फिर वो आता ही नहीं है। तो रीज़न क्या हो जाता है कि वो ऑर्डर आपकी साइट पे आया, साइट ने अपना सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया, लेकिन आपकी वो कॉमर्स उसको प्रॉपरली इंडेक्स नहीं कर पाई। तो आपने एक बार इंडेक्स ऑर्डर पे क्लिक करना है, तो जो एंट्रीज रह चुकी होगी, जो लेफ्ट हो चुकी होंगी, ये फिर से उनको रीऑर्डर कर देगा और री इंडेक्स कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा है अगर आपका सर्च प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, खास करके आपके जो पुराने ऑर्डर से उनको फाइंड कर रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा उस इशू को सॉल्व करने में। टर्म काउंट्स का जो मतलब है ये होता है कि आपने किसी प्रोडक्ट के अंदर कितनी बार चेंजेस किए और किस तरीके के चेंजेस किए हैं। हालांकि इसका यूज़ कुछ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए कि आपने एक प्रोडक्ट के अंदर आज कुछ चेंजेस किया, कल फिर कर दिया, फिर वर्षों, तो ये 2-3-4 आपको ये बिल्कुल रिविजन की तरह होता है, काउंट करता है। आप रिकाउंट टर्म्स करोगे तो जो प्रॉपर डेटा वो उसको रीसेट कर देगा। तो समटाइम हम प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं उसके अंदर 10-20 बार जाके चेंजेस करते, कभी उसका प्राइस चेंज किया, कभी हमने पिक्चर इमेजेस चेंज की, कभी कंटेंट चेंज किया, तो हर बार की एंट्रीज को ये सेव करेगा। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, आपकी जो जो मेट इन्फॉर्मेशन है उसको लार्ज करेगा। तो आप टर्म काउंट है उनको रीसेट करके अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो जीरो सेट कर सकते हैं, ताकि आपका डेटाबेस है उसका साइज़ इंक्रीज होने से बचा जा सके। इसी तरीके से नीचे दिया गया ऑप्शन है वो है कैपेबिलिटीज़। कैपेबिलिटीज़ क्या चीज़ होती है कि मान लीजिए हमारी साइट में 4-5 अलग अलग तरह के यूज़र रोल है, जैसे एडमिन है, एडिटर है, सब्सक्राइबर है, शॉप मैनेजर है, और इसके अलावा कस्टमर है। तो क्या वूकॉमर्स के अंदर जिस यूज़र को जो पेज वगैरह देखने की परमिशन दी हुई है, क्या वो उसे प्रॉपरली वर्क कर रही है? मान लीजिए आपके कस्टमर को आपका शॉप पेज देखने की परमिशन है, कार्ट पेज, चेकआउट पेज और माई अकाउंट पेज, तो क्या वो उसको प्रॉपरली मिल पा रहा है? कहीं उनको इशू आ रहा है तो आप उसकी रीसेट कैपेबिलिटीज़ है उसको यहाँ से क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं। तो समटाइम आप ऐसी जॉब्स आती हैं ऑनलाइन की, वो बोलते हैं कि सर हम अपने फला पेज को नहीं देख पा रहे हैं, और आपने देखा कि वो पेज आपका सही सलामत है, डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यूज़र के लिए विजिबल नहीं है, तो आप उसकी एक बार रीसेट कैपेबिलिटीज़ कर देते हैं, तो आपका इशू है वो सॉल्व हो जाता है। तो आप इस ऑप्शन का यूज़ भी अपनी वूकॉमर्स स्टोर को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कर सकते हैं। अब जो ऑप्शंस आपको दी गई है इनके नीचे रेड कलर से नोट दिया गया है, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इनको विदाउट पढ़े आप इसको यूज़ ना करें। तो सबसे पहले है क्लियर कस्टमर सेशन सेशंस।
ये क्या चीज़ होती है, जैसा कि इसकी स्मॉल नीचे डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि मान लीजिए आपकी साइट साइट है, ई कॉमर्स साइट है, जिस पे किसी क्लाइंट ने अपनी ऐड टू कार्ट को सेव करके रखा हुआ है। आपकी साइट अच्छी चल रही है, क्लाइंट चाहता है कि वो आज अपने आपकी साइट में से जो प्रोडक्ट है उनको सॉर्ट करके अपनी ऐड टू कार्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने आज बाय नहीं किया और वो कल या परसों फिर 2-3 दिनों के बाद बाय करने का सोच रहे हैं, तो आपका तब तक उसके अकाउंट के अंदर वो जो कार्ट है वो सेव रहेगी। लेकिन अगर आपने यहाँ से सेशन के अंदर आपने इसको क्लियर कर दिया कस्टमर सेशन को, तो उनका जितना भी डेटा कहीं भी आपके, अगर 10,000 20,000 जितने भी आपके क्लाइंट हैं उन सभी के ऐड टू कार्ट है वो सब रीसेट हो जाएंगे, उनमें से जो भी डेटा उन्होंने सेव किया वो सब डिलीट हो जाएगा। तो अगर इस तरह की ऑप्शन है तो इसको यूज़ किस पर्पज़ के लिए किया जाता है वो बता देता हूँ कि सम टाइम क्लाइंट अपना ऐड टू कार्ट प्रॉपरली कर नहीं पाते, अगर वो कर पाते हैं तो उनका सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। वो बोलते हैं कि सर हम जो भी अभी इन्फॉर्मेशन हमने सेव की थी वो हमें कल मिल नहीं पा रही है, या फिर आप ऐसे सेशन होते हैं जो कि बनने बंद हो जाते हैं, तो उनको एक बार रीसेट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि इसका आप सबसे लास्ट में यूज़ करिए, क्योंकि इसके बाद आपकी साइट के को आपका काफ़ी फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे है कि क्रिएट डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स पेज, तो ये हम सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ पेज डिलीट किए थे तो दिखाऊँ भी दूंगा आपको किस तरीके से रिकवर किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे दिया गया है डिलीट वूकॉमर्स टैक्स रेट। डिलीट वूकॉमर्स टैक्स रेट क्या होते हैं कि आपने अपनी साइट के अंदर बहुत सारे स्टेट के लिए, बहुत सारे सिटी के लिए टैक्स रेट बना रखे हैं, आप उसको वन वे वन नहीं करना चाहते, तो आप एक बार में टैक्स डिलीट टैक्स रेट कर दोगे तो ये आपका जो प्रॉपर टैक्स की सेटिंग है उसको रीसेट कर देगा। इसी तरीके से रीसेट का ट्रैकिंग का दिया हुआ है, आप ट्रैकिंग को रीसेट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन का यूज़ करके ट्रैकिंग है रीसेट है कर सकते हैं, जो यूज़र डेटा होता है ट्रैकिंग का वो रीसेट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले आपको पता होगी अगर आपने कभी वो कवर किया, रीजनरेट शॉप थंबनेल। तो इसका मैं यूज़ आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। सम टाइम आपने देखा होगा कि क्लाइंट आपसे ऑनलाइन जॉब्स वगैरह आपने नहीं किया, तो आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि लोग आपसे डिमांड करते हैं कि सर हमने अपना प्रोडक्ट इमेज डाली लेकिन वो ब्लर आ रही है, वो आपकी बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि जो वूकॉमर्स की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें आपकी जो प्रोडक्ट की इमेज है उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ 600x600 है, लेकिन जो क्लाइंट आपका अपनी इमेजेस अपलोड कर रहा है वो 400x300 की है या 400x400 की है, तो वो जो साइज़ के अंदर वो डिफरेंसेस है उसकी वजह से उसकी जो ब्लर हो रही है, जो उनकी इमेजेस है वो प्रोडक्ट की वो ब्लर हो रही है। तो आपने उस चीज़ को ओवरकम कैसे करना है, उसको फिक्स कैसे करना है, कि आपने उसको कस्टमाइज के अंदर जाके आपने फिर से उसकी जो सेटिंग है वो चेंज करके 400x400 कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको अपनी पूरी की पूरी शॉप के जो थंबनेल है वो फिर से रीजनरेट करने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप रीजनरेट करोगे तो फुली आपकी इमेजेस वो फिर से क्रिएट हो जाएगी और आपका इशू वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ऐसा मुझे आगे वाले कभी मुझे ऐसा मौका मिला आपको दिखाने का, तो मैं आपको लाइव इसका एक एग्जांपल दिखा भी दूंगा। तो चलिए अभी जो लास्ट हमने ऑप्शन छोड़ी थी इसको देख लेते हैं कि ये ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दो, जो लास्ट वीडियो में मैंने दो ऑप्शन यहाँ से डिलीट कर दी थी, दो पेजेस थे, एक चेकआउट और एक कार्ट पेज जो कि मैंने ट्रैश किए थे। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि आपका इस टूल का यूज़ करके आप अपने जो भी मिसिंग पेज है उनको रिप्लेस कर रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो पेज आपके ऑलरेडी है उनको ये रिप्लेस नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, कोई पर्सन नहीं चाहेगा कि एक पेज को रिकवर करने के लिए उसके 3 पेज रिप्लेस हो जाए और उनकी की हुई सेटिंग है वो चेंज हो जाए, तो ये सिर्फ उसी को रिकवर करेगा जो मिसिंग है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पेजेस करूँगा, तो जैसे ये क्रिएट पेजेस की कमांड को लेगा उसके बाद मैं चेक करूँगा कि जो मेरे मिसिंग पेज है मुझे मिल जाएंगे। तो कार्ट और चेकआउट पेज है मुझे मिल गए, माई अकाउंट और जो मेरा शॉप पेज था वो एज इट इज़ है जैसा पहले था। तो इसका यूज़ आपकी जो मिसिंग पेज है, जो डिलीट हो चुके पेज है उनको रिकवर करने के लिए किया जाता है, या फिर फर्स्ट टाइम आप जैसे वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कोई पेज इंस्टॉल नहीं होता, तो फर्स्ट टाइम में आपको पेज को इंस्टॉल करने के लिए भी इसी की रीड पेज का यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं लास्ट में लॉग में। लॉग एक्चुअल में होता क्या है, इसका एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी दिखाते हैं, वो आपको एक टेस्ट करवाने के लिए देता है, उस टेस्ट में वो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को पढ़ के वो बताता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है।
तो ये वही रिपोर्ट है जो आपको बताएगी आपकी वूकॉमर्स की हेल्थ के बारे में। वर्डप्रेस की अगर लॉग की बात करें तो वर्डप्रेस का सर्वर का लॉग सर्वर की हेल्थ के बारे में बताता है। तो ये हर एक नई एंट्रीज के साथ आपको देता है कि इस टाइम पे फला चीज़ हुई, इस टाइम में ये चीज़ की हमने। तो जैसे आप कोई नई चीज़ इसमें ऐड करते हैं या पुरानी हटाते हो तो हर तरह का लॉग है वो इंडेक्सिंग होती रहती है। तो उसको रीड करके आपको पता चल जाता है कि आपकी वूकॉमर्स अगर थोड़ी देर पहले ठीक ठाक चल रही तो अभी क्यों नहीं चल रही। तो लास्ट लॉग से पता चल जाएगा आपको कि अभी ऐसा क्या हुआ था कि आपकी वूकॉमर्स के अंदर इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट हो गए। तो आप इसको एक तरीके से रीड करके अपनी जो साइट है आपकी वूकॉमर्स है उसकी हेल्थ रिपोर्ट है उसको चेक करके अपनी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप्स हो गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको स्टेटस के अंदर दिए गए सभी ऑप्शन के बारे में ब्रीफिंग मिल चुकी होगी। कल हम सीखेंगे सेटिंग्स की प्रॉपरली ब्रीफिंग लेंगे, सेटिंग में कौन कौन से ऑप्शंस होती हैं। तो फिर आप रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर कूपन के बारे में बात करेंगे, लास्ट में हम सीखेंगे एक्सटेंशन, ठीक है जी, और ऑर्डर की भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। गुड लक, गुड बाय।